2021 बीत गया लेकिन आवाम को रिकॉर्ड महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कीमतें 11 बार बढ़ाई गई और 8 बार बरकरार रखी गई। कीमतों में 5 मरतबा कमी हुई। पूरे साल में मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 34 रुपए 82 पैसे का इजाफा हुआ। साल बीत गया, 2021 रिकॉर्ड महंगाई का साल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 मरतबा इजाफा किया गया। कीमतों में सिर्फ 5 मरतबा कमी हुई। मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 34 रुपए 82 पैसे का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 106 रुपए थी। दिसंबर में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 140 रुपए 82 पैसे पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा कीमत नवंबर और दिसंबर में 145 रुपए 42 पैसे रही। साल 2021 के दौरान हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए का इजाफा किया गया। साल के पहले माह हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 110 रुपए 24 पैसे थी। दिसंबर 2021 में हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 137 रुपए 62 पैसे हो गई। साल 2021 में मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए 88 पैसे का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 73 रुपए 65 पैसे थी। दिसंबर 2021 में मिट्टी के तेल की कीमत 109 रुपए 53 पैसे की सतह पर पहुंच गई। माहिर तवानाई अब्दुल सुरैदी का कहना था कि आलमी मार्केट में कीमतों के असरात पाकिस्तान में भी देखने को मिले। पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो नेगेटिव उनकी प्राइस चली गई थी। यूएसए में उसकी प्राइस नेगेटिव हो गई थी। $20 पर बैरल पे आपको मिल रहा था, आज उसकी कीमत अगर आप देखें तो 70 के आसपास घूम रहे। तो चूँकि ये फ्लक्चुएशन हुई और पाकिस्तान जो है वो एक नेट इम्पोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो जो जो वहाँ पे कीमतों में उतार चढ़ाव आता था उसी तरीके से पाकिस्तान में भी उसकी फ्लक्चर हमें देखने को मिली। उनका कहना था कि IMF का दबाव पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से नहीं है बल्कि बराह रास्त सब्सिडी से मुतालिक है। हुकूमत मुतबादल एनर्जी पर तवज्जो दे।